तो हेलो है दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों, ये देख सकते हैं सैमसंग की कैम बढ़िया DVD P365H कितनी बढ़िया एक DVD प्लेयर है। मैं इसे आज फुल दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके, ठीक है दोस्तों। मैं इसे हटा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया इसकी पार्ट्स है। तो ये काफ़ी यहाँ देख सकते हैं काफ़ी गंदगी बैठ गई है, मैं आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। काफ़ी गंदगी इसीलिए नहीं वर्क कर रही है। उसके बाद देख सकते हैं लेंस है, तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद ये पत्ता लगा हुआ है, ये 2 घंटे के लिए है। यहाँ पे मदरबोर्ड है, ये यहाँ से कन किया हुआ है जो कि यहाँ से पावर को ऑन करती है, स्टैंड बाई करती है, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये एक लेंस ट्रे है, काफ़ी हार्ड हेवी लेंस ट्रे। उसके बाद ये एक है पावर सप्लाई हार्ड है, देख सकते हैं कितनी गजब है। और उसके बाद यहाँ पर ओपन क्लोज बटन दिए गए हैं। उसके बाद ये फॉरवर्ड इवेंट स्टॉप के लिए, प्ले पॉज के लिए, उसके लिए फॉरवर्ड के लिए डॉल्बी डिजिटल साउंड के साथ ये आता है। पुरानी जमाने में काफ़ी बढ़िया चलती थी। पीछे की तरफ दिखाता हूँ उसकी बैक साइड, तो यहाँ देख सकते हैं 2 RR के लिए और एक थी फ़ॉन्ट के लिए, 2 यहाँ वाइट के निकली हुई, 1 सब ऊपर, 1 सेंटर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद डिजिटल के लिए काफ़ी बढ़िया है, देख सकते हैं। यहाँ पर एक कर्टन भी लिखा हुआ है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डू नॉट ओपन, वार्निंग शॉक हार्ड डू नॉट ओपन, रिसीव्ड डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉनिक न्यू प्लेस ओवर के लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखें कोलेक्स के लिए, ऑप्टिकल्स के लिए है। उसके बाद देख सकते हैं कंपोनेंट आउटपुट के लिए, एस वीडियो के लिए, और ये ऑडियो आउटपुट के लिए, यहाँ से RLTV के लिए सकते हैं वीडियो आउटपुट के लिए। ये 3 हो गए मेजर। उसके बाद एक एस वीडियो के लिए, बाकी ये सब अलग अलग चीज़ कोलेक्स के लिए है, कंपोनेंट आउटपुट के लिए, ये वाई के लिए है, ये ऑप्टिकल्स के लिए, लाइट जलने लगेगी, ऑप्टिकल ऑडियो आउट होता है डिजिटल के लिए। उसके बाद देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बढ़िया से, ये देख सकते हैं आप, ये क्या बढ़िया ट्रे है। उसके बाद देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, काफ़ी बढ़िया अच्छी ये पावर सप्लाई देख सकते हैं। पूरी ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लगी हुई डायोड है यहाँ पर, ये 2 कूलर लगे हुए हैं पावर सप्लाई के लिए, तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों ये ट्रे है। उसके बाद ये मदरबोर्ड है, देख सकते हैं ये मदरबोर्ड है कितनी अच्छी। उसके बाद ये देख सकते हैं पीछे की तरफ निकली हुई है, ये RCA केबल इसमें स्लॉट में डाला जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी है। तो सही वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, देख सकते शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।